अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर कुरैशी। शुरू से ही हर माँ बाप अपने औलाद के फ्यूचर की मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं। यह एक दिली बात है जो हमें कुदरत ने दी हुई है, नेचुरली है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, खुशी, गम, अच्छा बुरा हर चीज़ जुड़ी है। लेकिन हर इंसान चाहता है कि हमारे औलाद को वो सब कुछ, यानी कि दुख, दर्द, तकलीफ़ न उठानी पड़े और हमारा बच्चा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। हमारे बच्चे का समाज में नाम, इज़्ज़त, रुतबा, एक अलग मकाम हो, हर कोई माँ बाप चाहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा आज हमारे मुआशरे में हमारे बच्चों का हाल क्या है, आइए देखते हैं। हजरात, मेरा खिताब औरतों से है। माँ का आगोश बच्चे के लिए ज़िंदगी का पहला मदरसा होता है, और जो बच्चा उस पहले मदरसे में सही तरबियत नहीं पाता, वो आगे चलकर अपने और बेगाने दोनों के लिए वबाले जान बन जाता है। हर माँ का फ़र्ज है कि वो अपने बच्चे के दिल में शुरू ही से तालीम का शौक पैदा करे। तालीम के बगैर इंसान दुनिया के कंधे पर एक बोझ के बराबर होता है। हमारे बच्चे, हमारे जाहिल और वीरान बच्चे, गलियों में मारे मारे फिरते हुए नाकारा बच्चे, चीथे लटकाए हुए गंदे और बद इखलाक बच्चे, अगर ना सुधरे तो यकीन जानिए हम कभी आगे ना बढ़ सकेंगे। हमारा नाम और निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। हजरात, हमें इन जुमलों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। यह खिताब खुसूसन माओं के लिए था, लेकिन मैं समझता हूँ उतना ही हक औलाद की तरबियत में बाप का भी होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि माँ बाप प्रोएक्टिव हो। हर माँ बाप को जानना चाहिए अपने बच्चों का वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसकी कमज़ोरी, उसकी क़ुव्वत। बच्चों के लिए भी खेलना कूदना ज़रूरी है, साथ ही एक्सरसाइज करें, उसके साथ ही एंटरटेनमेंट, साथ ही पढ़ाई भी करें, एजुकेशन भी लें, अच्छी तालीम भी लें। मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगा, भाई वक्त है, सबक लो, सबक लो, सबक लो।